नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। स्टार एजुकेशन आप सभी के लिए जो आपका एसएससी जीडी की भर्ती के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उनकी हम चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। और ये हमारा वीडियो नंबर एक है। वीडियो शुरू से लगाकर एंड तक जरूर देखिए। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। और अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो इस पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। और एसएससी जीडी का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है दोस्तों, एसएससी जो जीडी का टेलीग्राम ग्रुप बना है हमारा, उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइए और उसके अंदर आपको पीडीएफ वगैरह वहाँ पर भी आपको मिलती रहेगी। चलिए देखिए, पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर हस्तांतरण कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, इसे हम कहते हैं MBT कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट शब्दों में हम क्या कहते हैं? MBT कहते हैं। क्या कहा जाता है? MBT कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई। इसका राइट आंसर है 1991 के अंदर पहली बार पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। अब फ्रेंड्स, जो पंचवर्षीय योजना है वर्तमान में क्या है, अगर आपसे वर्तमान के अंदर पूछा जाए तो वर्तमान के अंदर क्या है? बंद हो गई है। और देखिए, एक है योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग और जो पंचवर्षीय योजना है ना, ये दोनों वर्तमान में बंद कर दी गई है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे टीम के द्वारा 120 रुपये में यानी 80% आपको छूट है। 1000 स्टूडेंट पर, कितने हजार? 1000 स्टूडेंट के ऊपर मौका है। यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, ई नोट्स आपको मिलने वाले हैं और ये पेपर सेट आपको मिलने वाला है। तो जल्दी चाहिए, 9461401363 पे आपको मैसेज कर देना है। और ये वीडियो पूरा देखेंगे तो इसकी जो पीडीएफ फाइल है यही हमारे एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे, चीनी यात्री हैंसान ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। बताएंगे प्रश्न का उत्तर, जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में। क्या है? नालंदा। दोस्तों नालंदा वर्तमान में बिहार के अंदर है। कहाँ है? बिहार। नालंदा कहाँ है? बिहार के अंदर है। कहाँ है नालंदा? कहाँ है? बिहार के अंदर है। जिस चीज आपको ध्यान रखनी, और जो तक्षशिला है ना, ये भी आपको ध्यान रखना, जो आपसे पूछे ना तक्षशिला, तो दोस्तों अगर तक्षशिला की बात करें, तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? नालंदा। और मयो कॉलेज पूछे तो राजस्थान के अंदर। कहाँ है? राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। ओ कौन सा है? ओ सबसे दाता। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों जो हमारे मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 206। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। और अगर आपसे नवजात शिशु के बारे में पूछे तो 309 प्लस हड्डियां होती है। बच्चे के बारे में बात, किसके बारे में? बच्चे के, नवजात शिशु से संबंधित सवाल आपसे पूछे ना, तो आपको ध्यान में रखना है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। मलेरिया रोग होता है। कौन सा होता है? मलेरिया रोग। और जो आपका जो ये एड्स की बात करें, एड्स दिवस दोस्तों, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार बताएंगे, टेलीफोन का आविष्कार। 8 नंबर प्रश्न, अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा
टेलीफोन का आविष्कार किया गया। किसका? टेलीफोन का आविष्कार किया गया है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, इसका राइट आंसर यहां पर देखेंगे 3 लाख, कितने? 3 लाख किलोमीटर सेकेंड, ये जानना। समझ में आ रहा है? तो ये प्रश्न आपको जाना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय सबसे पहले किसने बताया? यानी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों चक्र लगाती है सर्वप्रथम किसके? कोपरनिकस ने कहा। किसके द्वारा कहा गया? कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था। देखिए प्रकाश वर्ष का संबंधित कौन सा है? प्रकाश वर्ष। 11 नंबर प्रश्न की बात करूं और इसका राइट आंसर है खगोलीय पिंड। कौन सा है दोस्तों? खगोलीय पिंड कौन सा है? खगोलीय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहा जाता है इस प्रकाश वर्ष, खरगोश प्रकाश वर्ष की। चलिए अगला देखेंगे। स्वर्ण मंदिर इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर कहां पर है दोस्तों? अमृतसर के अंदर है। और अमृतसर कहां है? पंजाब के अंदर। अमृतसर कहां है? पंजाब के अंदर। यस, पंजाब के अंदर अमृतसर। चलिए अगला देखिए। चार मीनार के बारे में पूछा गया तो चार मीनार हैदराबाद के अंदर। चार मीनार हैदराबाद के। अगर आपसे पूछे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार पूछे तो दोस्तों कुतुब मीनार कहां पर है? कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर। कुतुब मीनार पूछे तो दिल्ली के अंदर, लेकिन आपसे पूछा गया है कि चार मीनार तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद के अंदर चार मीनार स्थित है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। यह पूछा वेक्स्ट, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। कुतुब मीनार के बारे में पूछा, मैंने आपको बताया यस नई दिल्ली के अंदर है। यस लखनऊ है, आपके यूपी की कैपिटल है, यूपी की राजधानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गोमती। और हैदराबाद किस नदी के किनारे? मुंशी नदी के किनारे। कौन सी नदी? मुंशी नदी के किनारे स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया यस 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न का गेटवे ऑफ इंडिया यस मुंबई के अंदर है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई के अंदर। और अगला प्रश्न है इंडिया गेट के बारे में पूछा गया। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। तो प्रश्न समझना है और 25 में से 25 जीके पूरे सही करना। क्या करना? 25 में से 25 सही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ताजमहल के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा गया? ताजमहल के बारे में। तो बताएंगे दोस्तों ताजमहल का, ये 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। ताजमहल कहाँ है? आगरा के अंदर। और आगरा का उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना यस 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर के अंदर की गई। कहाँ की गई है? सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी और रट लेना है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। शिक्षक दिवस आपके 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन से दिसंबर को? 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 5 सितंबर। चलिए यहां पर आप देखेंगे खेल दिवस के बारे में पूछा गया है। यस बताएंगे दोस्तों खेल दिवस। यस दोस्तों खेल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह सवाल पूछा गया है और इसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। कौन है? मेजर ध्यानचंद की याद में खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमेशा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया है। तो इस प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखेंगे। करो या मरो ये नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। किसके द्वारा किया? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगला देखेंगे। जय हिंद, अगला है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था।
दिल्ली चलो, यस दिल्ली चलो। क्या पूछा अगला है? दिल्ली चलो, ये नारा किसने दिया? ये भी जो सुभाष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, चलो दिल्ली, क्या करेंगे? चलो दिल्ली। वेदों की ओर लौटो, सवाल है, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? बताएंगे। वेदों की ओर लौटो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो। इनकलाब जिंदाबाद, बताइए इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया था? यस, इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, यस सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आराम हराम है, क्या है? आराम हराम, ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, आराम हराम है। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? उसका राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज चल रही है, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया, पहले 1000 स्टूडेंट के ऊपर 80% डिस्काउंट दे रखा है, यानी मात्र 120 में 50 मॉडल पेपर सेट है। कितने? 50 मॉडल। इसके अंदर ऑल इंडिया रैंकिंग की भी बताई जाएगी कि आपकी रैंकिंग क्या है। अधिक जानकारी के लिए 94-61-041-363 पे आपको करना है। नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एसएससी जीडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहें। धन्यवाद।